हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है IRB नाही की तरफ से। यहाँ पे बल्क में हायरिंग आपको देखने को मिलेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। बल्क में आपके लिए अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1000 से ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इवन कैसे अपने को अप्लाई करना है, सारे प्रोसेस को मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, बिना स्किप किए। YouTube पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ मेरे भाई, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। जो आपका लाइक का टारगेट रहेगा 500 प्लस आपको लाइक करवा देना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी किए। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसी बेहतरीन वीडियो बनाने का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। लाइक यहाँ पे जो आपका पोजीशन देखने को मिलेगा वो आपके लिए DT का पोजीशन देखने को मिलेगा, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का। GT का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का। टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आप 2023 में पास आउट होने वाले हैं या 2023 से पहले पास आउट हो चुके हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आपने ITI किया है आप एलिजिबल रहेंगे, अगर आपने डिप्लोमा किया है आप एलिजिबल रहेंगे, और अगर आपने यहाँ पे BBTEC कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। इवन अगर आपने यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है लाइक BA BCOM BSc भी कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है परमानेंट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं चलेगा, ये परमानेंट वैकेंसी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे आपका सैलरी बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म फीस आपका 0 रुपये रहने वाला है और ये फ्री का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। जो स्टेप्स मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ उनका फॉलो करेंगे आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, लाइक टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का, जाके ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको उन जॉब्स का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा जो कि अक्सर मैं यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर पाता, और यूट्यूब पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं है। तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी, कुछ भी पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझको मैसेज कर पाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। अप्लाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, एज वेल एज मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टैब ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी IRB नाही की तरफ से। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है 3 डॉट का, आपको करना है इसी पे क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कैरियर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको करना है इस पे क्लिक और मैं इसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे कैरियर वाले पेज पे तो आपके सामने ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे करना है स्क्रॉल डाउन, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा करंट ओपनिंग का। तो आपके सामने 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में वैकेंसी देखने को मिलेगा, दूसरा आपको टोल में देखने को मिलेगा, तीसरा यहाँ पे कॉरपोरेट और अदर के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगा। तीनों डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकाली गई है, बल्क में हायरिंग आपको देखने को मिलेगा। वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने न्यू टैब ओपन कर लिया, पहली वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी करंट ओपनिंग यहाँ पे निकाली गई है, जो कि टोल डिपार्टमेंट यहाँ पे इनका रहने वाला है, उसके अंदर बल्क हायरिंग आपको देखने को मिलेगी। इन्होंने पूरा का पूरा चार्ट मेंशन कर रखा है, लाइक आप देख सकते हैं आपका पोजीशन क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, एक्सपीरियंस क्या मांगा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट भी दी गई है, फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोल सुपरवाइजर का वैकेंसी है उसके अंदर अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन भी कर रखा है, BA BCOM BSc कर रखा है, BEd कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, BBTEC भी कर रखा है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। इवन अगर आपने डिप्लोमा भी किया है तो आप टोल सुपरवाइजर की पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाने वाला हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है, बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, 2023 में पास आउट होने वाले हैं, बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट जो आपका रहेगा 22 साल से लेके आपका 35 ईयर तक आपका एज लिमिट यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे जो आपका आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मेंशन किया है, जो आपकी हाइट चाहिए 5 फीट 4 इंच और जो आपका वेट चाहिए, जो आपका 50 kg वेट यहाँ पे होना जरूरी है, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड को मेंशन किया गया, सेम आपका रहने वाला है। अगली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी टोल एडमिनिस्ट्रेटर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है प्लस बेसिक आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, लाइक अगर आपने BBTech किया है तो आपके पास यहाँ पे आपको कंप्यूटर का ज्ञान तो होगा ही, और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो अगर आपने कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, मतलब कि फ्रेशर यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। एज लिमिट आपका वही 22 से लेकर 35 साल देखने को मिलेगा। हाइट और वेट आपको सेम देखने को मिलेगा। अगली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे देख सकते हैं टोल ऑडिटर का वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाला, और यहाँ पे अगर आपने 12th कर रखा है प्लस आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, मांगा ही नहीं है। 20 से लेकर 25 साल तक की आपकी एज लिमिट यहाँ पे होनी चाहिए। हाइट आपकी होनी चाहिए 5 फीट 4 इंच और वेट आपका 50 kg होना चाहिए। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इवन सारी पोजीशन के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी टोल ऑपरेटर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर सिंपल ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, BBTech भी किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने BSc किया है, BCom किया है, ठीक है, BA किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हैं किसी टाइप का एक्सपीरियंस नहीं है, 20 से लेकर 25 साल की एज लिमिट है। हाइट देख सकते हैं आपकी यहाँ पे 5 फीट 4 इंच और वेट आपका 50 kg होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया। नेक्स्ट वैकेंसी जो हम देखते हैं यहाँ पे जो निकाली गई है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे भी इन्होंने पूरा चार्ट मेंशन कर रखा है, लाइक आपकी क्या पोजीशन रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, एक्सपीरियंस के बारे में बोला है, यहाँ पे एज लिमिट बोली है, फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में नहीं मांगा गया। तो मैं आपको डायरेक्टली वैकेंसी की तरफ लेके चलता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी, यहाँ पे अगर आपने BTech किया है, डिप्लोमा किया है सिविल के अंदर, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 0 to 3 ईयर का यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस बोला, आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड और एज लिमिट का कोई मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं सर्वेयर की वैकेंसी है, सीनियर सर्वेयर की वैकेंसी है, जिसमें अगर आपने डिप्लोमा किया ITI की आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस मेंशन किया गया, लेकिन जब हम अप्लाई करेंगे तो फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, ITI वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाने वाला हूँ, टेंशन ना लें, बिल्कुल फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके लिए निकाली गई, यहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट में काफी सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिकल वालों के लिए भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, सीनियर मैनेजर का असिस्टेंट इंजीनियर की मैकेनिकल के लिए वैकेंसी निकाली गई, एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आप फ्रेशर है तो आप अप्लाई करिए। सैलरी आपको नॉर्मल सैलरी देखने को मिलेगा, जो भी फ्रेशर का रहता है। अगर आप इंजीनियरिंग किया है तो आपका सैलरी रहेगा 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा अगर आप फ्रेशर है। अगर आपने BBTech किया है और अगर आपने डिप्लोमा किया तो आपका जो सैलरी रहेगा वो आपका 25,000 पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि आपको इंटरव्यू कैसा जाता है, उस पर भी यहाँ पे सैलरी डिपेंड करता है। ये मैंने जो आपको सैलरी बताया वो मिनिमम सैलरी आपको बताया है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि MBA वालों के लिए बताइए, तो यहाँ पे अगर आपने MBA किया आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, लाइक यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक ऑप्शन दे रखा है अप्लाई नाउ का, तो आपको डायरेक्टली इस ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे टॉप पे आप मेंशन किया गया है, यहाँ पे जो वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की यहाँ पे वैकेंसी के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको पोजीशन को सिलेक्ट कर लेना है, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको हाईवे के अंदर देखने को मिलेगी, स्ट्रक्चर के अंदर, क्वालिटी एनालाइज्ड, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, बिलिंग प्लानिंग के अंदर देखने को मिलेगी, सर्वे के अंदर देखने को मिलेगी, सुपरवाइजर, अकाउंट, HR, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। लाइक मैं सुपरवाइजर पोजिशन पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, आपका नाम आ जाएगा, फर्स्ट नेम आ जाएगा आपका, यहाँ पे लास्ट नेम आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद आपका जेंडर मेल फीमेल आ जाएगा, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देने, आपका ईमेल आईडी यहाँ पे बॉक्स में आ जाएगा, आपका पैन नंबर है तो ठीक है, नहीं तो उसको खाली छोड़ सकते हैं, और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ठीक है, यहाँ पे आपको फिल आउट कर देना, आपका आधार कार्ड तो हो गई। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन का एड्रेस आ जाएगा, आपका स्टेट जो भी है वो आ जाएगा, आपका यहाँ पे सिटी आ जाएगा, आपका यहाँ पे जिप कोड यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं इन्होंने बोल रखा है टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको कितना है, तो अगर आप फ्रेशर है तो यहाँ पे टिक करिएगा, 0 से लेकर 2 साल तक एक्सपीरियंस है, लाइक 6 महीने का भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे 0 to 2 ईयर का फिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे टिक कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अब बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोल रखा है कि आपका जो रहेगा
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 10th आ गया आपका, 12th आ गया, और अगर आपने 12th नहीं किया तो उसको खाली छोड़ दीजिएगा। बी बी टेक किया तो उसका डाल सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने डिप्लोमा किया तो बी बी टेक में भी आपका आ जाएगा, डिप्लोमा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया, बी बी टेक किया, और अगर आपने यहाँ पे आई टी आई किया तो यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दे रखा है अदर का, तो आपको अदर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आईटी के जितने मार्क्स रहेंगे, पासिंग ईयर जो रहेगा उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस को मेंशन करिएगा। अगर आप फ्रेशर है तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। फिर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आपको अपलोड रिज्यूम करना है, चूज फाइल में जाना है, आपके अपने रिज्यूम को अपलोड कर देना है, जो कि आपका डॉक्स की फॉर्मेट में हो सकता है, पीडीएफ की फॉर्मेट में हो सकता है, उसको यहाँ पे चूज करने के बाद यहाँ पे सेंड का ऑप्शन क्लिक करके सेंड कर देना है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी ब्रांच कौन सी, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।